हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके रहस्य के बारे में सुनकर आपको बहुत ही हैरानी होगी। दोस्तों, भारत को अगर मंदिरों का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी विविधता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भी है। इस मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर है, जिसे हैंगिंग पिलर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेपाक्षी मंदिर के इस अनोखे खंभे को आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये खंभा जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंभे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का यह खंभा पहले जमीन से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया था। तब से ये खंभा हवा में ही झूल रहा है। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रोधित रूप वीरभद्र विराजमान है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरा केश्वर भी मौजूद हैं। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। कुर्मासेलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए की आकार में बना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वीरूपन और वीरन्ना नाम के दो भाइयों ने 16वीं शताब्दी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तभी एक गिद्ध पक्षी जिसका नाम जटायु था, उसने माता सीता को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। उसने रावण से युद्ध भी किया, लेकिन रावण ने उसके दोनों पंखों को काट दिया, जिसकी वजह से वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। तभी भगवान राम माता सीता की तलाश करते हुए यहाँ पहुँचे और घायल जटायु को देखकर कहा, लेपाक्षी। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका हिंदी अर्थ उठो पक्षी होता है। और फिर जटायु ने माता सीता का पता बता दिया कि रावण उन्हें लंका ले गया है। जिस स्थान पर जटायु पक्षी घायल होकर गिरा था, वह स्थान यही है, इसलिए इस मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ा। इस मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का सबूत माना जाता है। इस निशान के बारे में कहा जाता है कि यह माता सीता का है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह पैरों का निशान हमेशा गीला रहता है। इसे कितना भी सुखा दिया जाए, लेकिन इसमें फिर अपने आप पानी भर जाता है। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर इसमें पानी आता कहाँ से है। आई होप आप सबको मेरी ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।